हेलो दोस्तों, मैं चले मैं आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त हेमंत। तो अनलॉक टूल की तरफ से एक और अपडेट आ चुका है। 27 तारीख को आया था, मतलब कल का दिन छोड़ के। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया इसके ऊपर। और जो है MDM लॉक MediaTek CPU वीवो के ऊपर है पूरा। तो क्या है पूरा अपडेट, आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जब भी अपडेट आता है अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं और फिर आपके पास मोबाइल आता है तो आप ही को परेशानी होती है। अपडेट का वीडियो 4 से 5 मिनट का रहता है मैक्सिमम। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाती है क्या है क्या नहीं है, कौन सा अपडेट आया, कौन से टूल हो पा रहे हैं, कौन से नहीं हो पा रहे, स्काई में सिक्योरिटी रिपेयर होगा नहीं होगा, ये पूरा आपको जानकारी मिल जाती है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था EFT ZTEC और दो टूल का और था एवेंजर और NCK टूल का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो डिटेल वीडियो है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले अनलॉक टूल का देख लेते हैं। 27 तारीख को अपडेट आया था, वर्जन था 27/1/2024, क्योंकि डेट ही इसका वर्जन है। अनलॉक टूल में वर्जन नहीं होता, जो डेट रहेगी वही इसका वर्जन रहता है। तो रिमूव MDM via preloader auth now supported one click। MDM लॉक है preloader मोड पे। आप वीवो के जो ये CPU हैं 8 CPU 9 CPU हैं 67/65, 67/68, 68/33, 68/53, 68/77, ये CPU जो है 68/93 तक, ये CPU का आप MDM लॉक मतलब फाइनेंस लॉक या ओनर लॉक या फिर आप कंपनी लॉक आप जो है वो हटा सकते हैं वन क्लिक में। इस तरीके से अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है, मोबाइल आया उसमें एक एरो का निशान बना है नोटिफिकेशन वाला, उसमें पिन मांग रहा है, तो उस लॉक को आप हटा सकते हैं। हालांकि ये करना अच्छी बात नहीं, लीगल है, क्योंकि अगर आपने फाइनेंस कराया कस्टमर ने तो उसको पैसा पे करना चाहिए, पे करे और भैया आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। अगर आप करते हैं तो ये भी आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए आपने डिस्क्लेमर देख लिया होगा सबसे पहले, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सिर्फ आपको जानकारी देना मेरा काम है। तो ये जो है अनलॉक टूल में अपडेट आए, ये 8 CPU ऐड किए हैं और 9 CPU ऐड किए हैं इन्होंने। और ये कैसे चेक करेंगे कि इसमें MDM लॉक हटेगा इस मॉडल का या नहीं हटेगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और एडेड मॉडल बेस फैक्ट्री रीसेट इरेज FRP। ओप्पो के और लेनोवो वन प्लस के 4-5 मॉडल ऐड किए हैं, इनमें आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, इरेज FRP कर सकते हैं। ओप्पो का A59 5G CPH 2617 ये न्यू मॉडल है जो कि ऐड कर दिया है। वन प्लस H2 Pro ये भी ऐड कर दिया है। लेनोवो टैब M10 3rd generation ये ऐड कर दिया है। टेक्नो पॉप 7 ये पुराना है लेकिन फिर भी ऐड कर दिया है। मोविसेल RX Pro ये ऐड कर दिया है। और एंड्रॉयड टैब में एडेड न्यू फंक्शन MTP SPRD बायपास FRP ओपन ब्राउज़र। SPD CPU में FRP बायपास के लिए उन्होंने ऐड कर दिया है ओपन ब्राउज़र मेथड। तो ये था पूरा अनलॉक टूल का अपडेट। अब सीधा चलते हैं कहाँ पे, और ये आप समझ गए होंगे MDM लॉक मैंने जो बोला वीवो का, अगर आपके पास आता है इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है, ये इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा और पिन मांगेगा। अब सीधा टूल ओपन कर लेते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ MDM लॉक कौन कौन से मॉडल का हटेगा। सपोज ये है वीवो, नेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या, नहीं, ये है वीवो टैब और यहाँ पे जो है ये है यहाँ पे मॉडल। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है चेंज IMEI रिमूव MDM, जो MDM लॉक है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तब तक ये हाइड रहेगा। ये देखिए जब आप यहाँ पे अभी वीरोम लिखा है ये आएगा प्रीलोड, यहाँ प्रीलोडर पर सेलेक्ट करेंगे, अब जो भी सिक्योरिटी हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे रिमूव MDM, अगर सपोर्ट होगा तो हो जाएगा। और जैसे सपोज़ आपको चेक करना है ये सपोर्ट है कि नहीं है, तो जैसे Y21 या Y17S ये मॉडल मैंने सेलेक्ट किया, 67/68 CPU इसमें, ये देखिए प्रीलोडर मोड पे रिमूव MDM ये हो पा रहा है, मतलब ये आपका हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे T2X ले लूँ, T2X 5G ये भी हो जाएगा। जो मॉडल सपोर्टेड नहीं होगा वो नहीं होगा। यहाँ पे X Play 6 ये देखिए वीवो X Play 6 मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे रिमूव MDM हट गया, ऑथ भी हट गया, सॉरी वो कॉलकॉम CPU था। MediaTek में देख लेते हैं, MediaTek ये है S1, ये इसमें भी सपोर्ट है, S1 Prime ये देखिए S1 Prime हो गया, S10, मतलब MediaTek के ज़्यादातर CPU सभी इसमें सपोर्टेड हैं। जिसमें नहीं होगा तो वो एरर दे देगा, उसमें हमें क्या कोई परेशानी नहीं है, अगर होगा तो वो आपका कर देगा। यहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट करें अन्यथा ना करें, मॉडल सेलेक्ट करते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते तब भी आप प्रीलोडर ऑथ फ्री पर क्लिक करेंगे
और V1 V2 V3 कुछ में इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे। M name lock है, आप यहाँ पे preloader मोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम स्वेप करके वॉल्यूम डाउन की को दबा के केबल को लगाएंगे, आपका M name lock हट जाएगा। यहाँ पे मैं चेक कर रहा था तो कुछ मॉडल पे वो शो नहीं हो रहा था MediaTek CPU में, लेकिन अभी हाल तो यहाँ पे सभी पे शो हो रहा है। जैसे स्नैपड्रैगन है वो बात अलग है, क्योंकि स्नैपड्रैगन में तो होगा नहीं, MediaTek में जो है नहीं शो कर रहा था, लेकिन MediaTek के सभी हैं। MDM लॉक आप सबका हटा सकते हैं जब भी आपके पास मोबाइल है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जब पूरी कागज़ हों उसके तभी आप उस पर ट्राई कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा जो अपडेट था यहाँ पे, ये मॉडल ऐड किए थे उन्होंने यहाँ पे, ओप्पो का A69 S2 और पॉप 7 मोबी सेल RX प्रो, और एंड्राइड टैब में जो है यहाँ पे SPRD में बाईपास मेथड ऐड की है, वो एक बार देख लेते हैं। ये एंड्राइड टैब ये है MTP SPRD बाईपास FRP, ये SPD CPU के लिए है, जैसे यूनिसॉक बोलते हैं जिसको टाइगर, उस CPU के लिए है FRP बाईपास। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है MTP मोड पे है, ऑन कंडीशन में आप केबल को लगाएंगे तो हो सकता है ब्राउज़र, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए है MTP मोड पे। पहले हम MTP मोड पे सैमसंग कर पा रहे थे, जब कोड वर्किंग में होता है *0*, उस कोड पे आप सैमसंग कर पा रहे थे। वीवो में ब्राउज़र ओपन कर पा रहे थे, सेम इसमें भी होगा MTP मोड पे। जैसे मेरे पास SPRD CPU का कोई मोबाइल आता है तो मैं उस पर ट्राई ज़रूर करूँगा, अगर आपके पास आता है तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि स्पेक्ट्रम CPU का अलग से यहाँ पे टैब है, यहाँ पे FRP बाईपास के लिए नहीं था, मतलब वो ऑप्शन नहीं था MTP वाला, लेकिन अब वो यहाँ पे ऐड हो गया है, कहाँ पे एंड्राइड टैब में। ये तो ये था अनलॉक टूल की तरफ से अपडेट। अपडेट आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टूल वगैरह बाय करना है आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा रीसेलर का, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।